हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मवई गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्स की स्टे वैकेसी राउंड काउंसलिंग का कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि ये फाइनल राउंड है। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि एम्स में इतनी सीटें बची क्यों, क्या एम्स में कोई एडमिशन नहीं लेना चाह रहा है। मैं पूरा रीज़न बताऊँगा कारण क्या है। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा एम्स राउंड वन में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है, आप मेरी वीडियोज़ देखते होंगे कि एम्स में पहले कैंडिडेट्स क्या करते हैं, नए एम्स को चूज़ करते हैं, उसके बाद उनके पास अदर्स ऑप्शन मिलते हैं, स्टेट कोटा हुआ या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हुई, वो उस पर मूव कर जाते हैं और एम्स की सीटों को छोड़ देते हैं। ऐसा राउंड वन में भी हुआ। राउंड वन के बाद 50% सीटें लगभग वैकेंट रही, राउंड टू के बाद 30-40% भी सीटें वैकेंट रही, मॉपअप के बाद लगभग 230 सीट्स वैकेंट रही और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए 120 सीट्स वैकेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि सीटें कैंडिडेट्स लेते हैं एम्स की, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। अभी तक ऐसा ही हो रहा है। उसका कारण मेनली ये है कि उनके पास ऑप्शंस थे कि ठीक है यार, यहाँ पे नहीं होगा तो स्टेट कोटा में हम अच्छा कॉलेज ले लेंगे, या स्टेट कोटा में छोड़ा लो कॉलेज लेगा, अपने स्टेट का कॉलेज लेंगे। एम्स जम्मू में कौन जाएगा, या एम्स जो नए एम्स है उसमें कौन एडमिशन लेगा, कोई फैसिलिटी नहीं है, फैकल्टी नहीं है, या मतलब बहुत सारा कैंडिडेट्स के दिमाग में रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कब होगा, कैसे होगा, तो इसलिए वो अनसेफ महसूस करते हैं। उनके पास ऑप्शंस भी होते हैं। मॉपअप तक आपके पास पूरे ऑप्शंस थे कि आप सीटें लें और सीटें छोड़ दें, लेकिन अब स्टे वैकेंसी राउंड में सब तो एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट में वैकेंसी फिल हो चुकी है। अब केवल कुछ ही स्टेट है, जैसे कि आपका केरला हुआ और दिल्ली हुआ, जिसमें कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा स्कोर पे सीटें मिली और यहाँ पे 620 ऊपर से ऊपर भी कैंडिडेट्स होंगे अभी जिनको एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन कैंडिडेट्स की ये भी सोच है साथ ही साथ कि नए एम्स से अच्छा, कि न्यू एम्स जिसमें अभी फैसिलिटी अच्छी नहीं है, फैकल्टी अच्छी नहीं है, उससे अच्छा अगर हम 620 स्कोर कर रहे हैं या 615 कर रहे हैं या 610 कर रहे हैं, तो अगली बार हम अच्छा परफॉर्म करके अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। ये भी डाउट है उनके दिमाग में। तो यहाँ पर सेफ स्कोर का रेंज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अब आप ये बोल रहे होंगे मैं 615 टू 620 क्यों कह रहा हूँ जनरली, क्योंकि अभी ये आपको पता नहीं कि कौन सा कैंडिडेट्स सीटों को लेगा, क्योंकि सबकी प्रेफरेंस एम्स नहीं होती, सब अपनी अपनी अकॉर्डिंग ही सीटों को चूज़ करते हैं। तो जो कट ऑफ है, रेंज है, वो कुछ इस तरह से सकता है, जैसे वैकेंट सीट्स हैं, वैकेंट सीट्स में ओबीसी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फ़ायदा होगा, ड्रॉप होगा अच्छा खासा। तो कुछ इस तरह से कट ऑफ दोस्तों जा सकता है लास्ट राउंड में। आप में से वो कैंडिडेट जो नीट 2021 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, अनअकैडमी ने टॉप एडुकेटर्स के द्वारा नीट 2021 की प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट बैचेस में क्लासेस स्टार्ट की हुई है, जो कि नीट 2020 की प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो सकती है। पूरा जो इस इन्फॉर्मेशन का डिस्क्रिप्शन है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू मिल जाएगा आपको। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैचेस हैं और कौन कौन सी क्लासेस टॉप एडुकेटर्स के द्वारा आपको मिल स्टार्ट हो रहा है January 3rd से नीट 2021 के लिए। डॉक्टर आनंद मनी बायोलॉजी एक्सपर्ट है। इसके अलावा विक्रांत विरार जो है बीटेक अपना मैकेनिकल फ्रॉम IIT खड़गपुर, दीपक वशिष्ठ है जो केमिस्ट्री एक्सपर्ट है, 15+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अमन कुमार सिंह है जो फिजिक्स एक्सपर्ट है, 7+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। महेंद्र सिंह है जो गोल्ड मेडलिस्ट है, बीटेक एंड प्रोड्यूस AIR 49 इन GE एडवांस। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट बैच है वो अल्फा अचीवर्स बैच है, जो January 4th से स्टार्ट हो रहा है। डॉक्टर अमित गुप्ता जियोलॉजी एक्सपर्ट है, MBBS फ्रॉम TNMC मुंबई। इसके अलावा शुभकरण चौधरी है जो ऑर्गेनिक एक्सपर्ट है, केमिस्ट्री एक्सपर्ट विथ 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस। अजय कुमार मिश्रा जो फिजिकल केमिस्ट्री एक्सपर्ट है, बीटेक फ्रॉम HPTI कानपुर, 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। प्रतीक जैन फिजिक्स सीनियर फिजिक्स फैकल्टी विथ 8+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस। रमेश सारदा है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सपर्ट है। इसके अलावा संदीप नोडियाल है जो बॉटनी एक्सपर्ट है। आकाश और XBMC एक्स कैरियर पॉइंट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर्स। इसके अलावा दोस्तों हाउ टू गेट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं, इससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीट UG सब्सक्रिप्शन प्लान जो है हमारी वो प्लस है और आइकॉनिक है। इसमें आप एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड मारवरी गुरु भी यूज़ कर सकते हैं।